डिमांड साथ में मैं ये कहूंगा कि उसकी अगर वहां पे बहुत सारी स्टेट लैंड और भी है, वाइडनिंग अगर हो जाए, अगर कोई स्पोर्ट्स ऑफिस बन जाए तो ये बहुत हमारे लिए फखर की बात होगी, जो कि हारी गनवर में ऐसा प्ले ग्राउंड या ग्राउंड तहसील में मैं कहूंगा नहीं होगा, जो हल्के में हमारे पास है, डिपो हो जाए ताकि लोग यहीं से लकड़ी इस्तेमाल कर सके। तो सर ये हमारे मेन थोड़े बहुत इश्यू है। सर जकेड़ा की तरफ से डिस्ट्रिक्ट बांध गांधरबल के लिए 2600 सोलर स्ट्रीट लाइट्स प्रोक्योर किए हैं। सर इस स्कीम में सर हमने ये पूरे लाइट्स लगा के 5 साल तक सर्विस देनी है, और हम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में लगाने के बाद सर एक सर्विस सेंटर कायम करेंगे जो 24/7 फोन पर अवेलेबल रहेगा। जितने पंप चाहे वो हम दे देंगे। बैंक ब्रांच यहाँ है सर, इसकी काफी लोगों को दिक्कत है कि 20,000 के अलावा वो यहाँ से ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ये अभी अभी सुना है कि डीसी साहब उस पर कुछ काम हुआ है। आपसे सर ये भी एक गुजारिश रहेगी कि उस रोड को अपने नोट्स में रखे ताकि गरीब आवाम को इस रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल की निहायत मेहरबानी से, इनकी शफकत और मेहनत से हमारे यहाँ हारी गनवर पुल से लेके ये छामा तक नवाड़ में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रोड का सैंक्शन हुआ, उसके लिए हम इनको तह दिल से शुक्रगुजार है। और मैं वडी डिप्टी कमिश्नर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज के कहने पर स्पोर्ट्स वालों की तरफ से फंड्स में गुजार की, और आज की डेट में आज आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ के सारे बच्चे उस प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं। कोई भी बच्चा किसी इलीगल एक्टिविटीज में इस वक्त मवस्त नहीं है। इसलिए आप लोगों ने उठाए हैं, पहले उस पर ही चर्चा कर ली जाएगी। जैसे प्ले ग्राउंड का एक मसला बताया कि स्कूल के अंदर प्ले ग्राउंड की हमें आवश्यकता है, उसको हम लोग नरेगा के अंदर रख लेंगे और यहाँ पर गुड सॉइल डलवा के उस प्ले ग्राउंड को हम लोग बनवा लेंगे। जो हमारा गनीवन से सुंबल का जो रोड है जिसमें कि 2.5 किलोमीटर अभी पीएमजीएसवाई के पास आ गया है, 2.5 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी के पास आ गया है, कुल मिला के 5 किलोमीटर का रोड है, इसका भी कार्य अपना जल्दी शुरू हो जाएगा और उसके बाद दोनों ही तरफ से हमारा जब काम चलेगा तो 2-3 महीने में कम्प्लीट हो जाएगा। सुमो स्टैंड सोनमर्ग का जो मसला है कि सुमो स्टैंड में वहां पर दोनों स्टैंड को चलने दिया जाए, जो स्टैंड रजिस्टर्ड होगा सिर्फ वही स्टैंड चलेगा अभी, और अगर किसी को लगता है कि मेरे को नया स्टैंड चलाना है तो वो रजिस्ट्रेशन की पहले कार्रवाई करे, अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसका तो उसके बाद फिर हम लोग उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं है तब तक कोई दूसरा स्टैंड वहां पर नहीं चल पाएगा, तब तक जो एग्जिस्टिंग स्टैंड है उसी के साथ में आपको चलना पड़ेगा। ये चीज हम लोग पहले भी क्लियर कर चुके हैं और इस बार भी मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। जो आपका वुड डिपो की बात है वो मेरे को भी लगता है कि जेन्युइन डिमांड है यहाँ पे वुड डिपो की, और वुड डिपो होना चाहिए, उसके लिए हम लोग एक बार टिकअप करेंगे तभी मैं आपको इसके ऊपर कुछ बता पाऊंगा। जो सोलर लाइट इन्होंने आज यहाँ पर दी है ये मैं आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोगों ने इस साल 4.5 करोड़ की पूरे गांधरबल जिले में सोलर लाइट लगाई है, तो इसकी हमने लोकेशन भी पहले आइडेंटिफाई कराई है, जो कि PRI महोदय ने बड़ा दिल बड़ा रख के अपनी केवल कॉमन स्पेसेस पे ही लगाने के लिए हमको अनुमति दी है, तो हम लोग केवल कॉमन स्पेसेस पे ही स्ट्रीट लाइट को लगाएं और हमारे गांव के अंदर जो ऐसे चीज जगह है वहां पर हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बैंक ब्रांच की जो बात है उसका प्रपोजल गया हुआ है, और बैंक ब्रांच के ऊपर जैसा कि अभी नूरानी साहब ने बताया उसके ऊपर काम जारी है। इसके अलावा भी आप लोगों के कुछ मसले मसाइल पहले भी थे जिनकी ATR भी मैंने अभी देखी है और जो कि यहां पर आप सब लोगों के देखने के लिए भी रखी गई है। और इसके अलावा एक बात मेरे को आप लोगों से करनी है और वो है सैनिटेशन, क्योंकि सैनिटेशन में हम लोग पिछले 1 साल से बड़ा प्रयास कर रहे हैं और जिसके परिणाम भी दिखे हैं, कई जगहों पर दिखे हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि जब 10 दिन फिर से सफाई ना हो फिर से घर गंदा लगने लग जाता है, तो वही वाली स्थिति अभी हमारे साथ बन रही है। तो इसमें सभी PRI महोदय से मैं पूछना चाहूंगा कि आप लोग क्या सैनिटेशन में चार्जेस देने के लिए तैयार हैं? जब वो व्यक्ति जो वेंडर हमारा होगा जो भी कचरा उठाने का काम करेगा जब वो अपने पूरे महीने का काम कर देगा उसके बाद ही उसको पेमेंट होगा।